हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शुभम आ चुका हूँ एक और माइलेज टेस्ट लेकर। आज हमारे पास में है ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 2021 एडिशन। बिल्कुल नई बाइक है, अभी लगभग में चली है ये, टोटल 360 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। और जो भी बाइक है इसको हम ही ने चलाया है, मीडिया राइड के लिए ये बाइक दी गई थी। तो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसको, तो आज मैं इसका करने वाला हूँ माइलेज टेस्ट। और हाईवे पर अभी हूँ मैं, मेरे साथ में पिलियन है। 140 टू 145 केजी के आसपास हम दोनों का वेट हो जाता है इस बाइक पे। और इस बाइक को मैं चलाने वाला हूँ अराउंड 30 टू 40 किलोमीटर के आसपास में। और अभी चल रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल को फिलअप कराता हूँ, टैंक फुल करके इसमें चलाऊँगा। फुल कर दो। सो गाइस, यहाँ पर ऑडोमीटर हो रखा है 362.5 किलोमीटर। और यहाँ पर पेट्रोल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर तक पूरा आ गया है यहाँ पर। हालांकि मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा आप पेट्रोल इतना फिलअप करें, लेकिन क्या है कि मुझे माइलेज टेस्ट करना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इतना पेट्रोल फिलअप करके रखा हुआ है। अब बात आती है कि टैंक को मैं फुल करके क्यों चला रहा हूँ। देखिए क्या है कि इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है, और इसमें इसके फ्यूल टैंक में एक मोटर लगी हुई है जो कि आगे पेट्रोल को पास करती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर वो सूखी चल जाती है तो मोटर वो फूक सकती है, और फूक सकती है या जल सकती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि कंपनी वारंटी भी नहीं देती है। अब जब कंपनी रिकमेंड करती है कि इसमें मिनिमम पेट्रोल आपको मेंटेन करके रखना है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि मुझे भी मेंटेन करके रखना होगा। और जब मीडिया राइड के लिए ये बाइक दी गई है, और अगर मैं ही गलती करूँगा तो जो व्यूअर होंगे या कस्टमर्स होंगे वो भी गलती करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर टैंक को फुल करके चला रहा हूँ। हालांकि मैं 1 लीटर भी चेक कर सकता था, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूल पंप पहली बार में ही चला जाए, हो सकता है दूसरी बार जाए, हो सकता है तीसरी बार जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कंपनी का कोई भी बंदा वीडियो अगर देखे, नज़र जाती है और मैं गलती करता हूँ, और जबकि कंपनी रिकमेंड नहीं करती है वो चीज़। तो ये चीज़ें इस वजह से मैं पेट्रोल को फुल करके चला रहा हूँ, और जितना भी चलेगी अराउंड 30 टू 40 किलोमीटर के आसपास चलाऊँगा, फिर इसमें पेट्रोल मैं फिलअप करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि इसमें कितना पेट्रोल आया है। तो इसमें अब राइडिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो भाई 70 टू 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मैं इसको चला रहा हूँ, और मुझे ज़रा सा भी ऐसा वाइब्रेशन बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। काफ़ी स्मूथली चल रही है। 349 सीसी का इंजन दिया गया है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20 bhp की, और टॉर्क मिल जाता है 27.5 nm के आसपास में। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने अलग अलग वेरिएंट जो भी आते हैं उस पर मैंने पूरा समझा रखा है। इसमें टोटल 5 वेरिएंट्स भी आते हैं और 11 कलर्स मिल जाते हैं। ये जो मैं बाइक चला रहा हूँ ये क्रोम रेड है, और ये टॉप मॉडल हो जाता है क्लासिक 350 2021 एडिशन का। सीरियसली बताऊँ कि मैं अभी तक जो भी मैंने BS4 या BS6 रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 चलाई थी, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता था कि इस बाइक को परचेज करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन क्या है कि जो एक वाइब्रेशन था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब मैं रिकमेंड करता हूँ इस बाइक को, क्योंकि इसमें इसका इंजन बहुत स्मूथ हो गया है। वाइब्रेशन जैसी शिकायत, मतलब अगर आप 100 के अंदर चल रहे हो, 80 किलोमीटर तक चल रहे हो, तो आपको वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। कि जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत इजी हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि स्लीपर क्लच दिया गया है, तो आप इजीली गियर को शिफ्ट कर पाते हैं। कि अगर आपको बेहतर माइलेज चाहिए तो कोशिश करें आप कांस्टेंट स्पीड पे बाइक को चलाएं। अगर बार बार आप गियर वगैरह शिफ्ट करते हैं, क्लच का यूज़ करते हैं, तो फिर क्या है कि माइलेज कहीं ना कहीं डाउन होता है या कम पड़ता है। और इसके अलावा क्या है कि आपको टाइम टू टाइम सर्विस करानी होती है, अच्छा पेट्रोल यूज़ करना होता है, और साथ में क्या है कि फुल क्वांटिटी मिल रही हो। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 लीटर पेट्रोल फिलअप कराते हैं तो 1 लीटर वो होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई पेट्रोल पंप पे फ्यूल पूरा नहीं देते हैं,
तो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको सर्विस कराते रहना है, और जो टायर प्रेशर है वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो टायर प्रेशर है वो भी आप मेंटेन करके रखो। सस्पेंशन भी इसके ठीक ठाक हैं, और जो सीट है सीट की कुशन क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। जो पिलियन के लिए सीट है वो भी ठीक ठाक चौड़ी मिल जाती है, कोई थकान महसूस नहीं होगी। अभी जैसे मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंचा हूं, तो बिल्कुल हल्का सा वाइब्रेशन इसके हैंडल पे मुझे फील हो रहा है, बिल्कुल हल्का सा। कि ये देखिए यहाँ पर खाली हो गया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास इक्विपमेंट है, और जब भी मैं चेक करता हूँ तो मैं इक्विपमेंट का यूज़ करता हूँ, ना कि पेट्रोल पंप पे जाकर अलग से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। टैंक तो फुल कराया था मैंने पेट्रोल पंप पे जाकर, लेकिन क्या है अब मैं अपने इक्विपमेंट से यहाँ पर मेज़र करने वाला हूँ। तो मेरे पास में इक्विपमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये 500 ml इसमें पेट्रोल आता है। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 500 ml पेट्रोल आता है। अब इसमें मैं यहाँ पर डाल के चेक करता हूँ कि कितना पेट्रोल आया है। तो इसमें अभी 200 और पेट्रोल आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल जब मैंने फिलअप कराया था तो पूरा ऊपर तक आ गया था। तो ये 200 ml है, इसमें और मैं पेट्रोल अभी डाल के देखता हूँ कि कितना आया है कितना नहीं। सो गाइस, इसमें अभी क्या है कि मैंने टोटल 700 ml पेट्रोल डाला है। मुझे लग रहा है कि अराउंड 50 ml के आसपास और आ जाएगा, तो मैं 50 ml और डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर जितना ये पेट्रोल दिखा रहा है, इतना पेट्रोल था जब मैंने इस बाइक को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलअप कराया था। तो इसको हमने चलाना स्टार्ट किया था 362.5 किलोमीटर पे, 362.5 किलोमीटर पे, और ये टोटल अभी चली है 397.3 किलोमीटर, यानी टोटल चल चुकी है ये 34.8 किलोमीटर, और इसमें पेट्रोल हमने डाला है 750 ml। तो अराउंड देखा जाए तो 46 के आसपास इसका माइलेज निकल कर सामने आया है, जो कि मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा माइलेज है। क्योंकि एक चीज़ है कि अभी क्या है कि इसको मैंने इस काफ़ी स्मूथली राइड किया, रफ एंड टफ नहीं चलाया, हाईवे पर टेस्ट था, और काफ़ी आराम से मैंने बाइक को 80 किलोमीटर पर आर की आसपास मैंने स्पीड यहाँ पर मेंटेन की थी। तो 46 के आसपास ये माइलेज दे रही, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही हो जाता है। हाँ, अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे, ट्रैफिक में चलाएंगे, तो ये 40 या 40 से अंदर भी माइलेज दे देगी। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक को चला रहे हो, और बाइक कैसी है, कैसी किस कंडीशन पे चला रहे हो। तो मैंने अच्छी रोड्स पे चलाई है, हाईवे पर चलाया है, क्लच ब्रेक का बहुत कम यूज़ किया है, और कॉन्स्टेंट स्पीड पर मैंने इस बाइक को चलाया है। तो माइलेज जो है ये कुछ आइडल तरीका हो जाता है कि अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलाते हो, बहुत ज़्यादा क्लच ब्रेक नहीं यूज़ करते हो, तो माइलेज अच्छा आ जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।